माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जहां पर एक मीटिंग रखी थी जो हमारे अनरेगुलाइज्ड आरटीज है, यानी कि जो 5 साल जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग गांव में पूरे कर चुके हैं, लेकिन निकम्मी सरकारों की वजह से, गलत पॉलिसी सरकार गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उनको अभी तक रेगुलेशन ऑर्डर नहीं दिए गए, यानी कि 5 साल के बाद उनको जनलाइन टीचर जो बनाते हैं वो नहीं बनाया गया है। और इसी वजह से आज एक मीटिंग और उसके बाद प्रोटेस्ट किया है आज के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर, कि एक ही हमारी ये डिमांड है कि 5 साल जब किसी के होते हैं उसके दिल में खुशी होती है, उसके घर वालों को भी खुशी होती है कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा यह परमानेंट होगा, इसको परमानेंट हेल्दी सैलरी मिलेगी। और जहां जम्मू कश्मीर में देख हो रहा है कि उसको 5 साल पूरा करने के बाद सड़कों में लाया जा रहा है, उसको ऑर्डर नहीं दिए जा रहे हैं। 5 साल जब आपने उसके किए, उसका रिकॉर्ड ठीक है, उसका जो हर एक काम आपने उससे लिया, उसकी टेंडर्स जा रही है हर महीने, जब उसका रिकॉर्ड ठीक है उसको रेगुलाइज करना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट, अगर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि हमने स्टेट हेड में भी इनको लाया, जो हमारा जो रहबरे तालीम टीचर्स फोरम ने स्ट्रगल फाइट की कि हमें स्टेट हेड में किया जाए ऐसे टीचर्स को, अगर ये कहते हैं कि हमने अनरेगुलाइज टीचर्स को लाया है, ठीक है हम मानते हैं लाया, आप इनकी रेगुलेशन प्रोसेस शुरू करो, उसको क्यों रोक रखा है, ताकि ये लोग भी जो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, जब एक शिक्षक 5 साल के बाद परमानेंट नहीं होगा, कैसे आप उससे उम्मीद करोगे कि ये क्वालिटी एजुकेशन देगा, कैसे आप उम्मीद करोगे कि वो बेहतर ढंग से स्कूल जाएगा। लिहाजा ये सरकार की गलत पॉलिसीज की वजह से अध्यापक वर्ग जो है, शिक्षा वर्ग जो बहुत बड़ा नाम, गुरु का बहुत बड़ा नाम है अगर आप इतिहास के पन्ने खोल कर देखोगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर उनको स्थायी शिक्षक नहीं बनाया जा रहा है, और इनका वेतन भी दो दो महीने का, दो दो साल का, एक एक साल का बनता है, सारा वेतन भी इनका दिया जाए और रेगुलेशन ऑर्डर के साथ वेतन दिया जाए। अगर 7-8 दिन हम देखेंगे इसको, अगर ये प्रोसेस शुरू नहीं किया तो रहबरे तालीम टीचर्स फोरम नए सिरे से जम्मू कश्मीर के अंदर अपना आंदोलन जो है वो छेड़ेगी।